पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ दार्जिलिंग हिल्स में 4 किलोमीटर लंबे विरोध मार्च का आज नेतृत्व किया है और रैली की शुरुआत दार्जिलिंग में मॉल के निकट भानुभक्त भवन से हुई और चौक बाजार क्षेत्र में इसका समापन हुआ। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने सीए और प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण के खिलाफ राज्य के विभिन्न भागों में 10 विरोध मार्च और 6 रैलियों का नेतृत्व किया था। ऑल सोल्जर को हम हमारा रेस्पेक्ट करने चाहूंगी, चाहे गोरखा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी कम्युनिटी है, जितना भी कम्युनिटी आपका पहाड़ का है, देश का है, हमारा राज्यों का है, हम सबको कहने चाहूंगी कि टरने का बात नहीं है। आज लोगों का दिल में एक धड़कन होता है, क्या होता है कि अगर एक क्या होगा, अगर एनआरसी होगा, अगर एनपीआर होगा, तो हम लोग कहां जाएगा, हमको तो इधर से चला जाना पड़ेगा, क्या हमारा सिटीजनशिप रहेगा कि नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन सबका दिल में आते हैं। मैं पहले आप लोगों को कहने चाहूंगी कि आप लोगों ने जो ओथ लिया है, प्लेज लिया है कि हमें दार्जिलिंग पहाड़ का जनता, दार्जिलिंग अनि कलिम्पोंग जिलाओं में सीएए एनपीआर एनआरसी लागू होने दिने